हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। मेरा नाम है मनीष कोकानी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटी जैन 2024 मैथमेटिक्स एग्जाम के बारे में। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होगा, कौन कौन सी बुक्स मैंने फॉलो करी थी, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, बुक्स डाउनलोड कहाँ से करनी है, एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट या कितना उनका वेटेज रहता है, इन सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट में, ठीक है, और कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट क्या होगा। तो वी विल बी टॉकिंग ऑल अबाउट दिस। सबसे पहले बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम है क्या। दिस एग्जाम इज नोन एज आईआईटी जैम मैथमेटिक्स और द ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स is conducted to provide admission to MSc, MSc Technology, MSc Research, MSc M.Tech Dual Degree, Integrated PhD, MSc PhD Dual Degree courses at the IITs for taking up science as a career option for the student. अगर आप science को as a career option choose कर रहे हो तो आपके पास इन इंस्टीट्यूट IITs में आप ये courses को pursue कर सकते हो। For example, जो science के subject है, maths हो गया, chemistry हो गया, physics हो गया, इन्होंने मेंशन कर रखा है स्ट्रिक्टली कि इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन सेवन सब्जेक्ट्स विच आर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स। तो आप इन एग्जाम्स इन सब्जेक्ट्स में इस एग्जाम को दे सकते हो। आपके पास एक और बेनिफिट है कि आप इस एग्जाम में एक से ज्यादा सब्जेक्ट के भी पेपर्स को दे सकते हो। तो वन स्टूडेंट मे अपियर फॉर टू टेस्ट, बट जब भी आप दो पेपर के लिए भरो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका जो सेशन है वो क्लैश नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम दो सेशन में होता है सेम डे, फोरनून सेशन और आफ्टरनून सेशन। आपका जो एग्जाम है वो 11th ऑफ फेब को पड़ा है, तो दो सेशन है फोरनून और आफ्टरनून। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको एक सेशन फोरनून, एक सेशन आफ्टरनून, इफ यू वॉन्ट टू गिव फॉर टू सब्जेक्ट्स। इस एग्जाम में तीन सेक्शंस होते हैं, इनको मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा जब आपसे बात करूंगा कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। एक अप्रोक्सीमेट डेटा इन्होंने दे रखा है कि अप्रोक्सीमेट 3000 सीट्स इन वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एट आईआईटीज। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, एनआईटी पार्टिसिपेट करेगा, आईसर्स पार्टिसिपेट करेंगे और आईआईएससी बेंगलोर पार्टिसिपेट करेगा, तो वहां भी कुछ एडमिशन होते हैं। Now let's talk about the eligibility criteria, who can apply for this exam. अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो या तो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो, आई एम टॉकिंग अबाउट अंडर ग्रेजुएशन, तो या तो आपके अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या आप उसके फाइनल ईयर में होने चाहिए। और जिस भी सब्जेक्ट से आप फिल कर रहे हो, एटलीस्ट तीन सेमेस्टर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मैथमेटिक्स, दैट मीन्स यू हैव स्टडीड एटलीस्ट थ्री सेमेस्टर्स the mathematics in your undergraduate course. If you are applying for chemistry, that means you have studied at least three semesters chemistry in your undergraduation. So either you have passed out or you are in final year. So both candidates are eligible. साथ ही उन्होंने mention कर रखा है कि foreign nationals with Indian degree are eligible to apply subject to the policy of the admitting institute. So वो लोग भी इसको apply कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। आप जब भी किसी एग्जाम को टारगेट करते हो तो आपके दिमाग में उसका पूरा पैटर्न सेट होना चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन को मुझे कैसे टैकल करना है। तो इस एग्जाम में मेनली तीन सेक्शन आते हैं और उन तीन सेक्शन को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। 3 घंटे में आपके पास टोटल 60 प्रॉब्लम्स होंगे। 60 प्रॉब्लम्स को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पार्ट ए यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप, यानी कि 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें 4 में से एग्जैक्टली एक ऑप्शन ट्रू होगा। यहाँ पे मार्किंग सेम होगी, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, 20 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। यानी कि अगर आपने एक गलत करा तो अगर वो 1 मार्क का है तो 1/3 नेगेटिव, 2 मार्क्स का है तो 2/3 नेगेटिव। सेक्शन बी में आते हैं मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस। मल्टीपल सिलेक्टेड में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में से एक भी ट्रू हो सकता है, 2 भी ट्रू हो सकते हैं, 3 भी और 4। आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपने सारे ही सही वाले पिक करे, एक भी गलत पिक नहीं करा, एंड नो पार्शियल मार्किंग लाइक JEE, नो नेगेटिव मार्किंग एज वेल, और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का हो।
सेक्शन सी में आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इस सेक्शन में आपको आपका जो आंसर होगा वो वर्चुअली कीबोर्ड से फिल करना होगा, एक रेंज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा, जैसे आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पर उन्होंने मेंशन करेंगे कि आपको किस रेंज में आंसर फिल करना है। ठीक है, इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 क्वेश्चन 1 मार्क के, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। देयर इज नो नेगेटिव इन पार्ट बी एंड पार्ट सी। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, तो आई फील कि 50 प्लस मार्क्स शुड बी द सेफ स्कोर, बिकॉज दिस एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय आईआईटी मद्रास, सो एग्जाम विल नॉट बी दैट इजी, एग्जाम एवरेज या एवरेज से ऊपर ही होगा। तो 50 प्लस आई फील इज अ सेफ स्कोर, यानी कि 50 प्लस पे आपको एक आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। चॉइस की आईआईटी के लिए अगर मैं बात करूं कि आपको चॉइस की आईआईटी चाहिए तो वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स सिलेबस एंड द बेस्ट बुक्स। द बेस्ट बुक्स आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू मी कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, उस समय मैंने कौन सी बुक्स फॉलो की थी। ऑल्सो आई विल टेल यू कि अगर आपके पास आपको लगता है कि ये सारी बुक्स आप परचेज नहीं कर सकते तो आई शो यू कि आप कैसे इनको गूगल पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से आप ऑलमोस्ट जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सारी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले सिलेबस में आता है रियल एनालिसिस। मैंने ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल वेबसाइट से पिक करा हुआ है, तो इसमें कोई भी एरर वगैरह नहीं है, डू नॉट वरी। सो रियल एनालिसिस में मेनली दो पार्ट होते हैं, सीक्वेंसेज एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स नंबर वन, एंड सेकेंड है फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, जो आप बचपन से पढ़ते हो, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, और अब इन्होंने ऐड कर दिया रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, सो ये दो पार्ट है। इसकी अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूं तो आई पर्सनली फील इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय एस के मापा इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। इसको जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हो तो करने का तरीका क्या होगा कि आप एस के मापा बुक के जो भी पार्ट आपका सिलेबस में है उसके एक एक एग्जाम्पल को और एक्सरसाइज को सॉल्व करो, तो एक सर्टेन स्टेज के बाद यू विल फील कि हाँ आपको रियल एनालिसिस आने लगा। और यही सेम चीज आपको सारे सब्जेक्ट्स में करनी है। देन द सेकेंड पार्ट इज मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में मेनली दो पार्ट है, फंक्शंस ऑफ टू और थ्री रियल वेरिएबल्स एंड इंटीग्रल कैलकुलस। इनकी अगर मैं कंबाइंड बुक की बात करूं तो एक किताब है कैलकुलस टेक्स्ट बुक बाय जेम्स स्टीवर्ट, अल्टीमेट बुक है, मैंने बहुत फॉलो करी है, पढ़ाते समय भी फॉलो करता हूँ, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, थ्योरी इतनी अच्छी है कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि कैलकुलस एक याद करने वाली चीज है तो इस बुक को आप पढ़ के भूल जाओगे कि कैलकुलस याद करा जाता है, वो समझा जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सिलेबस है। ठीक है, और इसकी अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूं सो यहाँ पे मैंने दो बुक मेंशन कर रखी है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्वेश्चन आसान भी आ जाता है और डिफिकल्ट भी आ जाता है, तो दो बुक मेंशन करी है। अगर आप उन दो बुक्स को मिला के पढ़ोगे तो मुझे लगता है हो जाएगा, बट पढ़ना उतना ही जितना सिलेबस में है। फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल इक्वेशंस बुक बाय स्टीफन एल रोज, तो ये एस एल रोज की बुक है, इसमें आपको अच्छे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे, प्लस ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बुक बाय एम डी राय सिंघानिया। ये किताब आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, जब आपकी थ्योरी एक बार कवर हो जाए आप प्रैक्टिस के लिए एम डी राय सिंघानिया बुक से पढ़ सकते हो। आई विल शो यू हाउ टू गेट पीडीएफ ऑफ ऑल दीज बुक्स। एक बार सिलेबस मैं फिनिश कर लूं, लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा में दो सेक्शन इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, मैट्रिसेस एंड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। बट ये क्वेश्चन इतने आसान नहीं पूछता, आप सोचोगे मैट्रिक्स से डायरेक्ट प्रॉब्लम आएंगे, नहीं, या फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस से ज्यादा इजीली आएंगे, नहीं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस टॉपिक। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने एक ही बुक मेंशन कर रखी है, इसमें मैंने ट्राई करा है कि मैं आपको एक ऐसी बुक दूं कि आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़े, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या कोचिंग से करो। सो लीनियर अलजेब्रा टेक्स्ट बुक बाय स्टीफन एच फ्रीडबर्ग एंड जॉइंटली रिटन बाय these three authors. तो स्टीफन एच फ्रीडबर्ग की ये बुक है, इसमें आप सेम प्रोसीजर आपकी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो डेली बेसिस पे। लास्ट सेक्शन ग्रुप्स में इन्होंने जो सिलेबस है वो बहुत छोटा मेंशन कर रखा है, बट इतना छोटा ये होता नहीं है, जब आप इसको पढ़ते हो तो ये बड़ा एक सिलेबस है। साइक्लिक ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप, परमिटेशन ग्रुप,
नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन सब ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, लैग्रांज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इसके लिए बेस्ट बुक की बात करूं तो मैंने एक ही बुक मेंशन कर रखी है, एग्जाम लेवल पे इससे अच्छी कोई किताब नहीं है। क्यों? ये बहुत अच्छी किताब है। अच्छी किताब का मतलब क्या है? आपको अच्छी थ्योरी मिल जाए और अच्छे क्वेश्चन मिल जाए, इसमें बोलो। तो कंटेम्प्री एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 9th एडिशन जोसेफ ए गैलियन के द्वारा ये किताब लिखी हुई है। इसमें आपको ना जैसे आप एक्सरसाइज से आओगे या नए चैप्टर पे आओगे तो आपको हर नए चैप्टर पे या एक्सरसाइज पे किसी ना किसी मैथमेटिशियन की कोई ना कोई एक क्वोट लिखा हुआ मिलेगा, दैट विल बी अ वेरी नाइस, तो वो आपको मोटिवेट करेगा। तो ये बात हुई कि ये बुक्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, ये सिलेबस है। नाउ लेट मी शो यू कि अगर आपको कोई भी बुक डाउनलोड करनी है तो व्हाट बेस्ट यू शुड डू। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करो। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद टाइप करो LIBGEN। तो जैसे ही आपका ये खुल जाएगा, आपको जो भी बुक डाउनलोड करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रुप थ्योरी की डाउनलोड करनी है बुक जोसेफ ए गैलियन वाली, तो आप उसका टाइटल पहले सर्च कर लो। तो टाइटल कैसे सर्च करोगे? गैलियन अलजेब्रा, ताकि आपको पूरा उसका टाइटल मिल जाए। तो ये इसका टाइटल आ गया, टेक्स्ट बुक बाय जोसेफ गैलियन। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, चाहे तो ऑथर का नाम कॉपी पेस्ट करके सर्च कर लो। तो जैसे मैंने ये ऑथर का नाम कॉपी करा, यहाँ पे सर्च करा, सर्च करने के बाद मुझे पहले ही पे ही मिल जाएगा सेकंड रिवाइज एडिशन। यू विल गेट मल्टीपल एडिशंस। फॉर एग्जांपल आई वांट टू डाउनलोड दिस 8th एडिशन, तो फॉर दिस 8th एडिशन आई विल क्लिक ऑन दिस वन, वन पे क्लिक करने के बाद आई विल बी गेटिंग दिस, तो आई विल क्लिक ऑन गेट। जैसे आप गेट पे क्लिक करोगे ना, तो यू विल गेट अ पॉपअप फॉर डाउनलोडिंग। अगर आप सेव करोगे तो डाउनलोडिंग विल स्टार्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन डाउनलोड द बुक्स। यहाँ पर आपको मोस्टली बुक्स मिल जाएंगे। सिंपल प्रोसीजर है, जो भी बुक डाउनलोड करनी है उसका या तो ऑथर का नाम एग्जैक्ट लिखा लो या टाइटल एग्जैक्ट लिखा लो। जैसे एक और बुक मैं दिखाता हूँ आपको, लीनियर अलजेब्रा बाय फ्रीडबर्ग। तो अगर मैं ये सर्च करूं तो मुझे इसमें या तो ऑथर का नाम चाहिए या टाइटल चाहिए, बट टाइटल आप देखो इसका लीनियर अलजेब्रा टाइटल है। तो ये टाइटल मल्टीपल बुक्स का होगा, तो बेटर टू गो विद ऑथर्स नेम। तो आप, मैं सर्च कर रहा हूँ स्टीफन एच फ्रीडबर्ग के नाम से। तो स्टीफन एच फ्रीडबर्ग करोगे, यू विल गेट बुक्स। आप यहाँ पे एक्सटेंशन देख सकते हो, जो भी एक्सटेंशन आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डाउनलोड द 4th एडिशन विद डीजे व्यू एक्सटेंशन और पीडीएफ, तो आई विल क्लिक ऑन वन, देन आई विल क्लिक ऑन गेट, एंड देन आई विल बी गेटिंग द पॉपअप फॉर डाउनलोडिंग। ठीक है, बट यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड बुक्स मिलेंगी, लोकल बुक्स नहीं मिलेंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हाउ टू डाउनलोड द बुक्स फ्रॉम दिस वेबसाइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट की सब्जेक्ट वाइज वीटेज कितना रहता है, किस सब्जेक्ट पे कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ये वीटेज जो मैंने लिया है IIT एग्जाम 2023 के एग्जाम से लिया है। आने वाले भी एग्जाम में आई एक्सपेक्ट की इसी टाइप का ही वीटेज होगा, इससे ज्यादा अलग नहीं होना चाहिए। तो इसमें रियल एनालिसिस में 35 मार्क्स का आया है, लीनियर अलजेब्रा 21 मार्क्स था, कैलकुलस 19 मार्क्स था, ग्रुप थ्योरी 13 मार्क्स था, डिफरेंशियल इक्वेशंस 12 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका वीटेज है, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप पढ़ सकते हो जो भी टॉपिक आपको पहले पढ़ने। लास्ट बात करते हैं कि IIT एग्जाम 2024 कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और कौन सा कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट है। सो द कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट इज IIT मद्रास, यानी कि इसकी पूरी वेबसाइट को IIT मद्रास मेंटेन करेगा, एग्जाम को IIT मद्रास कंडक्ट कराएगा, सारी चीजें IIT मद्रास के हाथ में होंगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 5th September 2023। पहले दिन ही फॉर्म भर देना, कभी लेट मत करना, क्या पता भूल जाओ। पहले दिन भरोगे, लास्ट दिन भरोगे, पैसे सेम लगेंगे, वो ट्राई करना कि पहले दिन भर दो। रजिस्ट्रेशन क्लोज 13th October 2023। एग्जामिनेशन डेट फॉर IIT मैथमेटिक्स एग्जाम 11th February 2024 फोरनून सेशन, यानी कि ये आपका फोरनून सेशन में होगा, मॉर्निंग में होगा। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो एक महीने के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा, अराउंड 20 मार्च तक आपको रिजल्ट आपके हाथ में मिल जाएगा। सो आई होप कि सारी डिटेल्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर कोई भी चीज ऐसी हो जो मुझसे मिस हो गई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं पक्का उस पर एक वीडियो बनाऊंगा या रिप्लाई कर दूंगा, अगर वो जो सूटेबल होगा स्टूडेंट्स के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर
वॉचिंग दिस वीडियो।